श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कल दिनांक 7 दिसंबर को गुरुवार के दिन मार्सिस मास की 10वीं तिथि पड़ने जा रही है और इस दिन आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार का जो दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान के इस दिन पर आपको अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए मात्र 7 चने की दाल से बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है जब भी हम चने की दाल का उपाय करते हैं तो देखिए दोस्तों, चने की दाल का जो रंग है वो स्वर्ण के समान होता है। तो जब भी आप चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो साक्षात आप स्वर्ण भगवान को अर्पित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा उपाय है, गुरुवार का दिन है और इस दिन आपको चने की दाल और गुड़ का चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ करके इन उपायों को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगना लगे जब आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है और आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए तो यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार का जो दिन है वो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में नहीं है, यदि गुरु ग्रह से जुड़ी हुई आपकी किसी भी प्रकार की समस्या तब भी आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपकी विवाह संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, बुद्धि ज्ञान से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, साथ ही साथ जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो, यदि जीवन में सफलता की प्राप्ति करना हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको चने की दाल से करना है और साथ ही साथ गुड़ से करना है और शहद से करना है। तो देखिए दोस्तों, तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष चमत्कारी हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल लेनी है, यानी कि 7 चने की दाल लेनी है। तो देखिए दोस्तों, चने की दाल आप जब भी लेंगे तो वो कहीं से भी टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और इस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल करके गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब यह तीनों सामग्री लेकर के आपको गुरुवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको जो आपने गुड़ से युक्त जल तैयार किया है उसमें आपको डाल देनी है। तो देखिए दोस्तों, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, या फिर आप 1 ही चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 1 ही चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आप 7 चने की दाल लेकर के आए वो आपको उस गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ पर गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती वाले यानी स्थान पर यानी कि अष्टकमल पर समर्पित कर देना है। और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अंत में थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है, यानी कि 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करने के बाद तो आपको थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर बचा लेना है। और अब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करना है और आपके पास जो चने की दाल है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और गुरुवार का दिन है इसलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप करना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जितने भी चने की दाल है, 7 हैं 11 हैं या फिर 21 हैं, उतनी ही बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करना है और गुड़ से युक्त ये चने की दाल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते रहना है। और अंत में आपने 1 लोटे के अंदर थोड़ा सा जल बचाया था उसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय करने से अपना जो भाग्य है वो स्वर्ण के समान चमकने लगा है और आपके जीवन से जो दुर्भाग्य है वो दूर होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है आपके भाग्य को उदय करने के लिए और यह उपाय भी बृहस्पतिश्वर महादेव जी का ही होने वाला है, विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी और बेलपत्र जो है वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग को छड़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको आधा चम्मच या उससे भी कम थोड़ा सा शहद लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको सीधे भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्र है उस बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। यह तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती है उस डंडी के पास में आपको जो अपनी चींटी उंगली होती है यानी कि नाम का उंगली के पास वाली जो उंगली होती है चींटी उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और शहद को आपको इस थोड़ी सी डंडी पर लगा लेना है।
यानी कि तीनों डंडियों को जोड़ने वाली डंडी होती है, उसी पर आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। और शहद लगाने के बाद आपके पास जो बेलपत्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिये दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर होगी और इसकी डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी है और इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक लोटा जल है जो आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग को बेल पर समर्पित की है, तो देखिए दोस्तों उसके ऊपर आपको ये जल थोड़ा धीरे धीरे समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, यह जल आपको थोड़ा थोड़ा 7 बार में समर्पित करना है, यानी कि आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा रुकना है, फिर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा रुकना है, यानी कि आपको 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके ये जल समर्पित कर देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। यानी कि आपको एक लोटे जल से ही जल समर्पित करना है, लेकिन आपको ये 7 बार में जल समर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जल भगवान शिव जी की शिवलिंग से होते हुए जलाधारी से बहता हुआ आएगा और इस जल को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, इस जल का आपको छिड़काव अपने पूरे शरीर पर कर लेना है बृहस्पतिश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते हुए। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपके भाग्य को उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान उपाय है, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया सबसे विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको आधा चम्मच शुद्ध देसी घी ले लेना है और इसके साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है और आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते हुए। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी जो सीधे हाथ की अनामिका उंगली यानी चींटी उंगली है, तो आपको अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा घी लेना है और इस उंगली से आपको माता सुख सुंदरी वाला स्थान जो होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको घी का लेपन कर देना है। यानी कि आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन अच्छी तरीके से कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए हो, चाहे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कोई मनोकामना हो, या विवाह के लिए आपकी कोई मनोकामना हो, तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और इस घी का लेपन आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इस घी की उंगली को कहीं भी धोना नहीं है और इस उंगली को आपको सीधे अपने घर पर लेकर के आना है और इस घी की एक बिंदी आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है और उस पर आपको लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, यह बिंदी आप अपने घर का जहाँ पर भी धन रखते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। आपके घर में जहाँ कहीं भी रसोई घर है वहाँ पर भी आप इस घी की बिंदी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 जगह आप इस घी की बिंदी अपने घर में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और घर में जो भी कलेश होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित है और सरल है उसे आप कर सकते हैं। अगर उपाय से जुड़ा हुआ अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमसे कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।